हमारे सबके मार्गदर्शक, विपक्ष के नेता आदरणीय सुषमा जी, राज्यसभा में विपक्ष नेता आदरणीय अरुण जी, यहां उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी हमारे ज्येष्ठ नेतागण, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सम्मान्य सदस्य और उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले प्राग ज्योतिषपुर की इस वैभवपूर्ण भूमि में मैं आप सबका हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अडवाणी जी ने अभी मुझे बताया कि 1968 में जनसंघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग आसाम में हुई थी। वो इतिहास तो हमें याद नहीं है, पर भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार आज आसाम में हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हो रही है। ये हम सब के लिए बहुत ही शुभ संकेत है, ऐसा मुझे लगता है। देश का जो पूर्वी भाग है आसाम, सूर्योदय सबसे पहले यहीं से होता है और मेरा विश्वास है कि एनडीए के सूर्योदय की शुरुआत जो देश में हो रही है, उस विचार मंथन की शुरुआत भी इस पूर्व से आसाम से होगी और देश में एक प्रकाश छाएगा और हमने जो निश्चित किया है वो उद्दिष्ट में हम निश्चित रूप से सफल होंगे। ये नवा वर्ष जो है ये नई आशा और आकांक्षाओं का वर्ष है और हम सबको इसके लिए पूरी शक्ति के साथ, ताकत के साथ, जिस उद्दिष्ट को लेकर हम आगे जा रहे हैं, हम सबको मिलकर उस उद्दिष्ट तक जाना है और यही हमारा सबसे बड़ा मिशन है। ठीक एक साल पहले आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के सूत्र दी थी और आज एक साल से थोड़ा समय ज्यादा हुआ है। ये साल मेरे व्यक्तिगत जीवन में बहुत ही आह्वानों का साल था और इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप सब लोगों ने, हमारे शीर्षस्थ नेताओं ने मुझ पर दी थी और मेरे मन में ये हर समय संभ्रम था कि इस प्रकार को मैं इस कार्य को किस प्रकार से आगे ले जा सकूंगा। पर मेरा विश्वास है कि उस समय मैंने कहा था कि ये विक्रमादित्य का जैसा आसन है वैसी ये कुर्सी है अध्यक्ष की। इस पर अटल जी, अडवाणी जी, डॉक्टर जोशी जी और हमारे ऐसे अनेक बड़े नेता हैं जिन्होंने इस चोटी पर बैठकर हमारे देश को एक दिशा देने का कार्य किया है और इसलिए मैं सामान्य कार्यकर्ता होने के बाद में भी अगर कुछ गलती होती है तो उस समय ये कुर्सी मुझे याद देगी और समस्याओं में से भविष्य की दिशा निश्चित रूप से दिखाएगी। ये मेरा दुर्लभ आशावाद मेरे मन में था और मुझे आज इस बात की खुशी है कि इस साल भर में जो कुछ अच्छा हुआ है उसका श्रेय हमारे सभी शीर्षस्थ नेताओं के मार्गदर्शन को है। आप जैसे कार्यकारिणी के जितने सदस्य बैठे, पदाधिकारी बैठे, इनके परिश्रम को है और हम सब लोगों ने मिलकर और हमारे लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के लिए, विचारों के लिए जो मिलकर टीम स्पिरिट से, समर्पित भावना से जो कुछ काम किया है वो निश्चित रूप से इस अच्छे कार्य के लिए आप सब लोगों का उसमें सबसे बड़ा योगदान है और इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत अभिवादन करता हूं और आगे आने वाले कार्य के लिए आपसे आशीर्वाद चाहता हूं। इस कार्यकाल में अगर मैं कुछ गलती हुई है, कुछ कमियां रही है तो व्यक्तिगत मेरी है और अगर अच्छा कार्य जो कुछ हुआ है और निश्चित उसमें आप सबका मार्गदर्शन, विशेष रूप से अटल जी का आशीर्वाद, अडवाणी जी का मार्गदर्शन, सुषमा जी, अरुण जी का मार्गदर्शन और हमारे सभी शीर्षस्थ नेताओं का समय समय पर जो मार्गदर्शन रहा
और आप सबका सहयोग रहा, उसी के कारण मुझे लगता है यहाँ तक मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को पार्टी का नेतृत्व करते हुए यहाँ तक आना संभव हुआ। हमारी यात्रा को 60 साल पूरे हुए हैं। 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ की स्थापना हुई थी और मैं फिर से आपको याद करना चाहूंगा कि हमको एक बार पुराने दिनों में जाना चाहिए कि जनसंघ की स्थापना का उद्देश्य क्या था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जिस प्रकार से सत्ता के पद को, बड़े पद को त्याग कर जनसंघ की स्थापना की, उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार के निष्पृह, निस्वार्थी, समर्पित भाव से जिन लाखों कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन को समर्पित किया, बलिदान किया, उस कहानी को, उस इतिहास को, उस विरासत को हम कभी भूल नहीं सकते, न कभी हमने भूलना चाहिए। और बार बार नए पीढ़ी के कार्यकर्ता के रूप में मेरे जैसे कार्यकर्ता ने बार बार उस बात का स्मरण करना चाहिए कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का बलिदान इस देश के लिए किसने हुआ, और इसलिए उनका आदर्श, उनका विचार और उनका मार्गदर्शन यही हमारी ऊर्जा है, हमारा आत्मा है, और उसको लेकर हमको आगे जाना है। जैसे केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी थिंग, उसी प्रकार से जनसंघ से लेकर जनता, भारतीय जनता पार्टी तक जो हमारा प्रवास है उसमें अनेक प्रकार के समस्याएं, प्रश्न हमारे सामने खड़े हुए। लोकतंत्र के लिए हमने इमरजेंसी के समय कुछ कुर्बानी की, पर उसके साथ साथ जो बेसिक स्पिरिट था, जो बेसिक फीचर्स थे हमारे विचारधाराओं के, उसको अभी कभी हम भूल नहीं सकते और उसको हम कभी छोड़ नहीं सकते। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का चिंतन निरंतर हमारे लिए प्रेरणादायी है, आदर्श के रूप में हमने उसको स्वीकार किया है। और उनके बाद आदरणीय अडवाणी जी ने, आदरणीय अटल जी ने इस विचार की धुरा लेकर इस पार्टी को एक भव्य विराट स्वरूप प्राप्त करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। बड़े जिम्मेदारी के साथ आगे चलकर इसको और विशाल रूप में उसको परिवर्तित करके राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का जो संकल्प हमने सामने किया था उसको पूरा करना, यही हमारा सबका मिशन है। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं कि राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म हमारी प्रेरणा है, विकास और सुशासन ये हमारा मिशन है, और अंत्योदय जो समाज में शोषित, पीड़ित, दलित है, जो असहाय है, ऐसे पिछड़े हुए गरीब लोग, अंत्योदय के माध्यम से उनका सभी प्रकार का सर्वांगीण विकास करना ये हमारा मिशन है। और इस मिशन को पूरा करने के लिए हमने एक बात निश्चित रूप से तय करनी चाहिए कि कंट्री फर्स्ट, पार्टी बाद में और उसके बाद में मैं, और मुझे लगता है कि इस बात को लेकर हम लगातार आगे जा रहे हैं। 21 अक्टूबर जो आने वाला है, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि हमारे जिले में, हमारे गांव में, हमारे राज्य में 1951 के बाद जो जो कार्यकर्ताओं ने हमारे लिए काम किया है, मेहनत की है, परिश्रम किए, बलिदान किया है, और जो आज भी है, ऐसे सब कार्यकर्ताओं को हमारे कार्यालय में या कोई हॉल में उनको बुलाकर उनके बारे में कृतज्ञता व्यक्त करने का एक अवसर हमको मिला है। और इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि 21 अक्टूबर को कृतज्ञता दिवस के रूप में हमारे पुराने सब कार्यकर्ताओं का एक गौरवशाली सम्मान करके उस इतिहास को हम याद करें जिससे हमको भविष्य में आगे जाने की प्रेरणा मिलने वाली है। और इसलिए कृतज्ञता दिवस जहां जहां हमारी इकाई है और हर जगह पर बड़े अच्छे तरीके से इसको हम मनाए, यही मैं आप सबों से अनुरोध करता हूं। इस पूर्वोत्तर राज्य में इसका इतिहास बहुत गौरवशाली है। महाबाहू ब्रह्मपुत्र के तट पर मैं सबसे पहले मां कामाख्या देवी को नमन करता हूं, महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव और असम का शिवाजी के रूप में जिनका उल्लेख किया जाता है,
भूलजित बरफुकन, कनक लता डेका, लोकप्रिय नेता जिनके कारण आसाम बचा और जो आसाम के पहले मुख्यमंत्री थे श्री गोपीनाथ बारदोलई, और उसके साथ साथ कारगिल में जिन्होंने इस देश के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए अपनी जान की कुर्बानी देकर लड़ाई में जिन्होंने बलिदान किया, वो पूर्वोत्तर भारत के वीरों को मैं शतशः नमन करता हूं, अभिवादन करता हूं और वंदन करता हूं। उसके साथ साथ मुझे इस बात की खुशी है कि कॉमनवेल्थ गेम में जिसमें जो सफलता मिली है उसमें यहां के खिलाड़ियों ने विशेष रूप से बहुत अच्छा योगदान किया है और देश का गौरव बढ़ाया है। ऐसे सभी खिलाड़ी जिन्होंने बहुत अच्छी सफलता हासिल की है उन सब का सत्कार हमारी जो विराट रैली होने वाली है उसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे शीर्षस्थ नेताओं के द्वारा उनका सत्कार करके उचित गौरव करने का भी हमने संकल्प किया है। मैं उन सब खिलाड़ियों को मेरे तरफ से, आप सब की ओर से खूब खूब शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। पूर्वोत्तर में भाजपा का काम करना ये बहुत कठिनाइयां थी, पर इस कठिनाइयों में भी हमारे अनेक कार्यकर्ताओं ने, हमारे अनेक नेताओं ने बहुत परिश्रम किए हैं। 30 वर्ष पूर्व जो घुसपैठ विरोधी आंदोलन था उसका पूरा समर्थन भारतीय जनसंघ के उस समय हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं ने, और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने हर बार इस बात का विरोध किया है। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है, बड़ी वेदना होती है, बड़ा दुख होता है। हमारे जैसे राष्ट्रभक्त कार्यकर्ताओं के मन में इसकी वेदना बहुत बड़ी है कि हमारे ही देश में वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए विदेशी घुसपैठियों के लिए रेड कार्पेट डाले जाते हैं और वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए अपने को उनका वोटिंग मिले इसलिए घुसपैठियों को प्रोत्साहन दिया जाता है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास है। हमारा देश एक अलग संस्कृति, अलग विरासत को लेकर आगे जा रहा है। मुझे याद है कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में जब हम काम कर रहे थे तो एक नारा दोहराते थे, अलग भाषा अलग वेश फिर भी हमारा एक देश, और एक दूसरा नारा दोहराते थे कि कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। ये दोनों नारे हमारे विचारों की दिशा को स्पष्ट करने वाले हैं और इसलिए ये जो घुसपैठियों की बातें ये बहुत गंभीर है जिसके ऊपर हमारे प्रस्ताव में हम विचार करने वाले हैं। विशेष रूप से जिन कार्यकर्ताओं ने बहुत बड़ा योगदान हमारे कार्य को बढ़ाने के लिए किया है उनका सबका नाम लेना मेरे लिए संभव नहीं है, पर मधुमंगल शर्मा मणिपुर के, जयंत दत्त असम के, इन्होंने तो अपने कार्य के लिए, अपने संगठन के लिए, अपने विचारों के लिए कुर्बानी दी है। मैं याद कर रहा हूं विद्यार्थी परिषद के उन दिनों को कि हमारे यहां उपस्थित थे प्रभुदाब आचार्य जी, उन्होंने यहां बहुत अच्छा काम किया। माय होम इज इंडिया ये प्रकल्प उन्होंने, यशवंतराव केंकर जी इन्होंने उनके मार्गदर्शन में और पद्मनाभ आचार्य जी ने इस बहुत ही सुंदर ऐसे अनोखे प्रकल्प की शुरुआत की, और इस प्रकल्प के द्वारा माय होम इन इंडिया स्टूडेंट एक्सपीरियंस इन इंटरस्टेट लिविंग, इसके आधार पर ये पूर्वांचल के अनेक विद्यार्थियों को हिंदुस्तान की अनेक जगह जगह पर, अनेक घरों पर वो आए। नागपुर में भी मैं जब विद्यार्थी था तो विद्यार्थी परिषद के संस्थापक सदस्य दत्ता जी गिरोडकर इनके घर में विद्यार्थी रहते थे, संगीतकार सुधीर फड़के इनके घर पर वो विद्यार्थी रहते थे, और उनको यह महसूस होता था उनके घर में, अपने घर में अपने परिवार जैसे रहते थे। उसमें से तो एक विद्यार्थी बाद में अरुणाचल का मुख्यमंत्री बना, पर उनके मन में संपूर्ण भारत हमारा है, हम सब एक है, हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास एक है, इस भावना से उनके ऊपर संस्कार करने का वो बहुत बड़ा प्रकल्प, उसको मैं अपने जीवन में कभी भूल नहीं सकता और उसके लिए मैं विशेष रूप से पद्मनाभ जी को याद कर रहा हूं। पद्मनाभ जी ने भी आसाम में बहुत अच्छा काम किया है।